बैक इन द परफेक्ट, तो आप जानते ही हैं मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं गरीब फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईपैड। आपके लिए लेके आया हूँ, मेरे लिए नहीं, आपके लिए लेके आया हूँ। तो देख सकते हो बुक इस तरह से है, तो करते हैं अपने इसको जल्दी से अनबॉक्स। तो ये वाला आईपैड है मेरे पास 9th generation, तो इसे करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। ये वाली चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। पहले अपने को देखने को मिल जाता है यहाँ पर आईपैड 9th generation, इस तरह से ये कुछ पैक है। तो इसे करते हैं एक बारी साइड। तो यहाँ पर अपने को मिल जाती है एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर। इसके अंदर ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स हो गई है, इंस्ट्रक्शंस हो गया है, और इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं दो स्टिकर्स। इसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इनको करते हैं साइड एक बारी। इसके बाद अपने को मिल जाती है लाइटनिंग पोर्ट अडैप्टर, इसको भी करते हैं एक बार साइड। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली हो चुका है। चलते हैं आई पैड पे। तो पहले ये वाला सारा सामान हटा देते हैं अपने। तो देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। सिल्वर कलर का, ये सिल्वर कलर में है पीछे, और पीछे वाली ये देख सकते हैं ये पूरी एलुमिनियम है, मेटल की बनी हुई है। और करते हैं इसे जल्दी से ऑन। देख सकते हो, तो देख सकते हो अपना आईपैड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्क्रीन डिस्प्ले की। तो 10.2 इंच अपने को मिल जाती है यहाँ पर, और अपने जैसे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये स्मूथ चल रही है आपके सामने ही। आप देख सकते हो बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही, ना ही हैंग हो रही है। और इसके बाद यहाँ पर अपने को एक मिल जाता है पावर बटन, और यहाँ अपने को मिल जाता है वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के लिए, और यहाँ अपने को मिल जाती है फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसे मैं एक बार बंद करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना स्मूथ वर्क है, मतलब ये प्रेस वाला फिंगरप्रिंट अपने को यहाँ पर मिल जाता है। और कैमरे की बात करें तो अपने को यहाँ मिल जाता है पीछे की तरफ में 8 megapixel कैमरा, और आगे अपने को फ्रंट पर यहाँ पर 12 megapixel का अपने को कैमरा यहाँ मिल जाता है। तो मैं आपको कैमरे की फ़ोटो क्लिक हुई आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, आउटडोर की भी दिखा दूँगा और इनडोर की भी दिखा दूँगा। इसके अंदर गेम प्ले चला के दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा गेम। बढ़िया चल रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ नीचे की तरफ अपने बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आईपॉड यूएसबी केबल अपने को देखने को मिल जाती है। इसके बाद अपने इसकी बैटरी पैकअप की बात करें तो 8500 बैटरी पैकअप है इसकी, और कंटिन्यूसली चार्ज करने पर ये मतलब 2 या 2.5 घंटे में पूरी बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है, और जैसे मैं चला रहा हूँ तो 5 घंटे में ये डाउन हो जाता है। इतने कुछ इसकी बैटरी पैकअप है, बाकी पता नहीं आप जिस हिसाब से चलाओगे जितना गेम खेलो उस हिसाब से ये डाउन होनी भी है। और अंदर मैं आपको वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी भी ठीक है इसके अंदर जिस हिसाब से, और आप जूम देख सकते हो इसके अंदर 8x जूम हो जाता है वीडियो क्वालिटी में। और इसके अंदर प्रिंट बड़ा कर लेते हैं एक बारी, तो ठीक है वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। स्प्लिट स्क्रीन भी हो जाती है, मल्टी स्क्रीन आपको मैं दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आप डबल स्क्रीन चला सकते हो, और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इतनी यूट्यूब की रखनी है उधर ये आप कर सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ये दोनों चीज़ें। और इसके बाद इसको वापस कर सकते हो ऐसे। तो सबसे बढ़िया इसके अंदर मेरे को ये चीज़ लगी है, जैसे ही अपने 5 finger पिंच करते हैं तो यहाँ पर अपने को रिसेंट ऐप ओपन हो जाते हैं, और जैसे अपने 4 finger ऐसे कर रहे हैं ऐसे करके तो अपने दूसरा ऐप ओपन कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को चीज़ लगी है इसके अंदर। और इसके बाद अपने इसकी ब्राइटनेस लेवल की बात करते हैं तो इंडोर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देखो पूरी अपने इसे लो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वाला आईपैड परचेज करना भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसे परचेज कर सकते हो।
और ये आपको आईपैड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो को करना शेयर, लाइक एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।